दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज मैं निकल रहा हूँ हिमाचल से चंडीगढ़ होते हुए, दिल्ली होते हुए और बहुत सारी स्टेट्स को कवर करते हुए निकल रहा हूँ मैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मैं जा रहा हूँ मुंबई। तो स्टे इन टच एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि मेरा प्लान है मुंबई जाने का, कि वहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट है 2-3 महीने का और उसके बाद एक्सटेंड होता है कि नहीं होता है वो बात की बात है। लेकिन अभी मुंबई के लिए मैं निकल रहा हूँ सुबह। तो हिमाचल से मैं आ गया था संडे को और आज है मंडे, तो आज मैं मंडे को निकल रहा हूँ सुबह। तो पकड़ूंगा मैं एक्सप्रेस वे, दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेस वे। तो सुना तो बहुत है उसके बारे में, टोल भी काफ़ी है, 3-4 हज़ार का तकरीबन टोल लगेगा। तो वहाँ कितने देर में पहुँचूँगा, कैसे कैसे मैं जाऊँगा, तो वो सब अपडेट मैं आपको दूँगा। तो जुड़े रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। तो अभी पेट्रोल डलवा लिया है, फुल टंकी हो गई, तकरीबन 4,000 का पेट्रोल डला है। तो अभी की रेंज जो दिखा रहा है वो 670 किलोमीटर है। ये तो बढ़ेगी क्योंकि अब हाईवे पकड़ूँगा मैं, तो एवरेज जो है अभी 9.6 किलोमीटर है। तो ये थोड़ी लोकल की एवरेज है, हाईवे पर तकरीबन 20-22 की एवरेज आ जाती है एसी के साथ। और जैसे ये लंबा ट्रिप है तो एवरेज मुझे लगता है 25 तक की एवरेज मैं निकाल लूँगा इस गाड़ी से, क्योंकि एवरेज काफ़ी अच्छी है। 1.0 लीटर का टर्बो लीटर इंजन है इसका। दोस्तों हम पहुँच रहे हैं अभी करनाल से, थोड़ा सा है पीछे, हरियाणा में एंट्री हो चुकी है हमारी और हम पहुँचेंगे तकरीबन 12 बजे के आसपास गुरुग्राम। और मौसम आज बहुत ही बढ़िया है, धूप खिली हुई है, बरसात का मौसम तो है। अब देखेंगे आगे जाके बारिश कहाँ मिलती है हमें। तो दोस्तों हम पहुँचे हैं मोटल पराठे खाने के लिए, तो मैंने पराठा के साथ किए हैं गर्मा गर्म चाय। तो पराठा ऑर्डर किया है गोभी का और यह है आलू प्याज का और फिर मक्खन, एक सारा मक्खन, ये है मोटल मक्खन, लेकिन मक्खन ही मक्खन है हरियाणा में। देखो परांठा आलू गोभी का, तो दोस्तों अब हो चुका है हमारा ब्रेकफास्ट और अब हम निकल रहे हैं बढ़िया ब्रेकफास्ट करके। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं दिल्ली में, अभी पहुंचने वाले हैं एम्बियंस मॉल, जहां पे एक दोस्त है उनको पिक करना है। तो देखिए बुरे हाल से ट्रैफिक लगा है और ये देखिए 3 किलोमीटर के लिए दिखा रहा है 13 मिनट, इससे ज़्यादा लग जाएगा। और स्कूल की छुट्टी हो चुकी है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अब एक्सप्रेस वे पे जो दिल्ली से मुंबई को जोड़ता है और ये है गुड़गांव के नज़दीक। अब हम ले लेंगे एंट्री, बट अभी ऑनलाइन चेक करके गूगल पे दिखाता था 14 घंटे, अभी दिखा रहा है 24 घंटे। तो देखते हैं इसका क्या सीन है। अरे ट्रैफिक गुड़गांव का, काफ़ी समय के बाद आया हूँ मैं। कैन में रहेगी, अच्छा तो ऐसा करो 2 कैन कर दो। मेल कर दो सर, किसी पर भेज सर। मेल मेल में क्या होगा, प्राइस आ जाएगा स्मॉल या मीडियम। 3 मैक्स चिकन मेल कर दो, 3 कोक के साथ, इतने के पड़ेगा। अभी गाइस हमारा हो चुका है ऑर्डर। अब पूरे हाईवे में काफ़ी गैप के बाद खाने पीने का है, तो हमने यहीं से सारा इकट्ठा कर लिया है, भर के लेके जाएंगे, फिर भर के खाते जाएंगे। हमने ली है कोल्ड ड्रिंक मैगडी से और भर दी है हमने मिनरल वाटर एक बोतल में। अब इसको हम पियेंगे बोतल के साथ, क्योंकि गिलास में पीने में दिक्कत होती है ड्राइविंग करते हुए। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। अबे बस वे। तो दोस्तों बारिश हो चुकी है शुरू, अभी हम पहुंचे हैं एक्सप्रेस वे, हमने कवर किया है तकरीबन 100 किलोमीटर और अभी मुंबई है यहाँ से लगभग 1200 किलोमीटर और बारिश हो चुकी है स्टार्ट। गुजरात में बता रखा है कि गुजरात में शायद ज़्यादा बारिश हो रही है, तो
होपफुली हमें ज़्यादा बारिश ना मिले और ईजिली हम मुंबई पहुँच जाएँ, क्योंकि बारिश होगी तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।